सरकार जो वीरांगनाओं के साथ असंवेदनशील और अमर्यादित जो व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। कि वीरांगनाएं अपने किस तरह से जीवन यापन करती हैं समय के थपेड़ों के साथ, वो वीरांगना, मैं वीरांगना हूँ और मैं ही समझ सकती हूँ उस दर्द को, क्योंकि मैंने भी वो खोया है और वो झेला है। लेकिन सरकार जिस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रही है वो बहुत ही गलत है। और प्रदेश की स्थिति ये आ गई है कि एक सैनिक सीमा पे जाता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो किस जाति का है, किस प्रदेश का है, किस धर्म का है। वो अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान करता है। लेकिन कांग्रेस सरकार की स्थिति ये आ गई है कि वीरांगनाएं अपने हक को मांगने के लिए आज सड़कों के ऊपर आ गई हैं, और उनसे मिलने के लिए कोई जाता है या उनकी कोई आवाज़ उनको न्याय दिलाने के लिए उनके समर्थन में खड़ा होता है तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। कल हमारे जो आदरणीय सांसद किरोड़ी लाल जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उससे पहले हमारी सांसद रंजीता कोहली जी के साथ, वो भी वीरांगना से मिलने के लिए गई थी, उनके साथ दुर्व्यवहार। तो इससे ज़्यादा और क्या स्थिति हो सकती है इस प्रदेश की कि एक सैनिक जो वहाँ पे निश्चिंत होके बॉर्डर की हमारी रक्षा करता है, हम निश्चिंत रहते हैं, और उसके परिवार से मिलने भी नहीं दिया जाता, और उसका परिवार न्याय के लिए दर दर भटकता है, सड़कों के ऊपर आता है। ये इस कांग्रेस सरकार की बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुहार करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप मांगे मानो न मानो वो तो बाद की बात है। मुख्यमंत्री जी, जिसने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया है, आप कम से कम उसकी एक बात तो सुनो, उनको सांत्वना तो दो, मांगे बाद में पूरी करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम बड़ा दिल रखते हुए आप उनके साथ एक बार आके बैठे तो हो, ताकि उन्हें ये महसूस हो कि हम, हमारा भी कोई है और हमारी बात सुनने वाले भी कोई हैं। लेकिन आपने तो पता नहीं किस खौफ में या किस भय में अपने आप को इतना अंदर कर लिया कि आप तो उनसे बात करने के लिए बाहर तक भी नहीं निकले। मैं वीरांगना, सभी वीरांगनाएं जो अन्याय हुआ है किरोड़ी लाल जी के साथ में, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ में, रंजिता जी के साथ में, और वीरांगनाओं के साथ अन्याय हुआ है, हम सब वीरांगनाएं उनके साथ हैं, और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत है।